प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 दिसंबर 2019 को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज यानी कि 12 दिसंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन बताया डेट बताई गई थी, जिसका मैंने कल जिक्र किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी कुछ ही समय में जो है यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। ठीक है, अभी जो है उस पर लिंक एक्टिवेट सून लिख कर आ रहा है। उसके लिए मैं कुछ ज़रूरी जो निर्धारित दिशा निर्देश हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको प्रवेश पत्र के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है। यदि आप पेपर दे चुके हैं पहले से, यदि आपको अनुभव है तो ये बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने पहले कभी पेपर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ सारी बातें बताता हूँ। ये विज्ञप्ति है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 की परीक्षा जनपद स्तर पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 22 दिसंबर 2019 को निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपादित होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रविवार को 22/12/2019 प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, और दूसरी जो पाली होती है हमारी 22 तारीख को ही उच्चतर प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक मध्यान्ह 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 12/12/2019 की अपराहन से यानी कि अपराहन से दोपहर से निर्धारित वेबसाइट http://updl.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर निर्धारित परीक्षा केंद्र से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ इंपोर्टेंट बात दे रहे हैं कि आपको किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। कहीं आप समझे कि हमें डाक के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से हमारे पास प्रवेश पत्र आएगा, ऐसा नहीं है। आपको वेबसाइट से ही प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना होगा। अगला पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी क्या होता है कि इस दिशा निर्देश को नहीं पढ़ते हैं ना ही समझते हैं, और सिर्फ प्रवेश पत्र के साथ अपनी एक आईडी लेकर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इस बार हमेशा सारे के सारे जितने भी दिशा निर्देश होते हैं उनको सही से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद अपना परीक्षा देने जाना चाहिए। तो देख कह रहे हैं इसमें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र तथा प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक पहचान पत्र और प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसे कि आप BTC कर रहे हैं, DL.ED कर रहे हैं, उसका किसी भी सेमेस्टर का एक मार्कशीट, अगर मूल नहीं है आपके पास, मूल प्रति नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि अभ्यर्थियों के पास प्रशिक्षण योग्यता के मूल अंक पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य, संबंधित प्रशिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर ये, और इन बातों का आप विशेष ख्याल रखें। यूपी टेट का एडमिट कार्ड जैसे ही डाउनलोड होता है किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो भी दोपहर के बाद अपलोड कर दूंगा। और किसी प्रकार की समस्या अगर आती है और एडमिट कार्ड के अंदर और भी जो जरूरी दिशा निर्देश दे रखे होंगे हम उनको भी जिक्र करेंगे अगली वीडियो में। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लेना और जो पेज है उस पेज को भी देख लेना। ठीक है, आप किसी भी समाचार पत्र से इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।